आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मैं इन चीजों पे बिलीव ही नहीं रखता। ठीक है, हम लाइव ई-कॉमर्स को देखें, चाइना में इस पे बहुत काम हो रहा है, टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग इतनी इतनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, $1,00,000 की सेल कर रहे हैं 10-12 घंटों में, 24 घंटों में आपने डिसाइड करना है, हमने डील करनी है, 99% उसमें लोग लॉस करते हैं। सामने बैठी थी तो गपशप हो रही, तो मैंने उनके हस्बैंड को कहा कि यार आप यंग हो और आपने बड़ी उम्र के खातों से शादी कर लिया, सामने बैठी थी, बिल्कुल यार एक दो और शादियां करो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? सबसे पहले तो रमजान मुबारक आपको मेरे फेमी की तरफ से। आपको भी खैर मुबारक। अच्छा जी, हम थे लाहौर में तो हमने सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आप बताएं आ जाएं या टाइम देना पड़ेगा? बस आप हर साल रमजान में यही करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास असल में टाइम शॉर्ट होता है, हमारे पास असल में टाइम शॉर्ट होता है। बेहतरीन हो गया, आप हमें पिन लोकेशन सेंड कर दीजिएगा, हम फौरन पहुंच जाएंगे और इफ्तारी हमारी तरफ से होगी। चले कुछ मेरी तरफ से हो जाएगी, कुछ आपकी तरफ से। चले जी बेहतरीन हो गया, फिर मुलाकात होती है आपसे। खुदा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए। मुझे इफ्तारी के लिए जरा आप ये छाछनिक दे दीजिए, ब्रेड रोस्ट दे दीजिए और ये सैंडविचेस जो बहुत मजे के लगते हैं ये भी जरा। थैंक यू। अरे कोई है कि नहीं हमें दाजा खोलने के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर, तो अंदर है ऑफिस में, लेट्स गो। और इतना खाली ऑफिस। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? आप बताइए। मैं बिल्कुल ही, फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू सो मच। ये इतना खाली ऑफिस और कैसे आए? इफ्तार के टाइम पे कौन ऑफिस में बैठता है? ओ, लेकिन आपने इन बेचारे को क्यों बिठाया? ये तो बेचारा जो है वो दिन रात ही बैठा था, एडिटर है। अच्छा। तो पॉडकास्ट क्योंकि आजकल जरा बैक टू बैक ज्यादा है इसलिए ये देर तक बैठे रहते हैं। भाई, मैं आज आप लोगों के लिए बैठा हूँ, अदरवाइज घर जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपकी इफ्तारी। थैंक यू। इतना कुछ चले, मैंने भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ। अच्छा, वो भी खिलाएंगे आपको इंशाल्लाह। कहते हैं कि साथ मिलके पार्टी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, कैसी गुजरी है लाइफ, रमजान कैसे गुजरे सर? जिम से तो नहीं आ रहे थे? जी जी, आजकल शुरू की हुई है। एक्सीलेंट, यानी से थोड़ी देर पहले करके और उसके बाद फिर। वैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पाकिस्तानियों का, हमने 30 दिन में जो है ना वो अपने आप को वेट लूज करना होता है, जिम जाके जो है हमने फ्रेश। यही एक बहाना होता है, आगे पीछे हाथ रुकता नहीं है। मैं तो अक्सर खाने में ये कहता हूँ कि जब मैं खाना खा रहा था तो मैं किसी से जो भी खाना सर्व कर मैं कहता हूँ फौरन उठाएं जब मैं कहूँ ना, क्योंकि जब तक पड़ा है तो मैं खाता रहूंगा। ऐसा है क्योंकि रुकना पड़ता है तो फिर साथ एक्सरसाइज भी हो जाए, रमजान में वेट काफी बेहतर, बहुत ज्यादा। सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट देसी में अगर कर लें तो बिरयानी वगैरह, और फास्ट फूड में करें तो पिज्जा। पिज्जा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और पिज्जा और बिरयानी के अलावा तो मतलब आपकी कोई फिर चॉइस ही नहीं होगी? नहीं, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। अच्छा, सब कुछ खा लेते हैं। टर्किश भी, चाइनीज भी, क्योंकि ट्रैवल करता हूँ तो जो कुछ मिल जाए बस। Excellent. खाने की चीज होनी चाहिए, चलती है। सबसे वियर्डेस्ट फूड आपने क्या खाया है अभी तक? नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं खाया, वियर्ड मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे जब भी खाया जैसे हलीम बिरयानी हो गई या फिर आपने समोसा, मैंने बताया ना सब कुछ चलता है, समोसा हलीम पिज्जा सब कुछ इकट्ठा भी हो तो चलेगा। जबरदस्त हो गया। बताएं लाइफ में क्या चल रहा है, पॉडकास्ट कैसी चल रही है, जिंदगी कैसी चल रही है? तो बहुत मजे की चल रही है, आप लोगों के सामने ही है सारा, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, चल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजेदार है। वेरी नाइस। पॉडकास्ट का कैसे सोचा, मतलब एक काम ये है फिर एक काम ये है, कैसे, क्या विजन? मैं कर तो ई-कॉमर्स ही रहा था, बिल्कुल ऐसा ही। बस एक दोस्त ने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, लेकिन वो बेचारा उस पॉडकास्ट को चला नहीं सका किसी भी वजह से। 3 घंटे की पॉडकास्ट थी। बिल्कुल। अब आके मैंने सोचा कि यार मैं अपनी शुरू कर लेता हूँ, कम से कम मुझे कोई रोक तो नहीं सकेगा ना। एक्सेलेंट। तो अपनी शुरू कर ले, बस इसी तरह आते ही। तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा था ऑलरेडी, तो पीआर अच्छी थी, तो सब दोस्त आना शुरू हो गया और अल्लाह ने बहुत इज्जत दे दी इसमें भी। पॉडकास्ट में कितना मजा आता है ना, कोई बाउंड्री नहीं होती, आप बस बातें करते लगे हुए हैं। बिल्कुल, मेरी कुछ पॉडकास्ट 2-2 घंटे की भी हुई है, 2 घंटे की भी हुई है, नॉर्मली 1 घंटे की होती है, बट टाइम लिमिट नहीं होती ना, और गेस्ट भी इसलिए एंजॉय करता है। गेस्ट कहते हैं यार हम टीवी पे जाते हैं कहीं भी तो 15 मिनट का सेगमेंट है, 30 मिनट्स का है, टाइम लिमिट है, उसमें सब कुछ करना है, यहाँ पे ओपन है बिल्कुल। अब मजे का सीन ये होता है कि मैंने जो भी सवाल पूछना हो ना, मैं ऐसे मीठे तरीके से पूछता हूँ कि गेस्ट बेचारा बता के बाद में सोचता होगा कि क्या बता दिए। एक्सीलेंट सर। अच्छा भाई, लाइफ क्योंकि जितनी आगे बढ़ती जा रही है ना उतनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होती जा रही है, और जाहिर सी बात है रूटीन के साथ फैमिली को भी देखना होता है, तो फैमिली नाराज होती है? फैमिली इज ओके विद एवरीथिंग? हमेशा नाराज, हमेशा। मनाते कैसे हैं फिर? तो बस मना लेते हैं, जब जाता हूँ फिर तो मैं कहता हूँ चले आए जरा चलते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बैठते हैं,
तो बेटी भी नाराज रहती है, बेटी की तो वॉइस नोट सारा दिन वॉइस नोट आते रहते हैं, बाबा मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप लेट हो गए हैं, आज आप घर आएंगे मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। फिर मैं फौरन एक वॉइस नोट कहता हूँ, नहीं बेटा आपको पता है बाबा काम कर रहे हैं, चले ठीक है मेरे प्यारे बाबा जल्दी से घर आ जाए। मिसेज भी जाहिर है नाराज रहती है लेकिन वो मान जाती है। मेरे ख्याल में औरत जात जो है ना वो उसको मनाना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान है। दो मीठे बोल बोले बाहर लेके जाए, जरा तसल्ली कराए, शॉपिंग शॉपिंग कराए। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि औरत जात बहुत मुश्किल है, आप कैसे कह रहे हैं कि बहुत आसान होता है? मुझे आसान लगता है। अच्छा, मतलब मीठे बोल आप बोले ना, अच्छा आप कुछ भी और ना करें, सिर्फ मीठे बोल बोले, हाँ यार तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, आई एम सॉरी मेरी गलती है, तो बस ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। बहुत जरूरी है, आपकी गलती ना भी हो, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, फिर भी आप ही की गलती है। अच्छा, यानी 100% एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और वो लोग जो एक्सेप्ट करते ही नहीं है कुछ चीजों को, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? यार एक्सेप्ट कर लिया करें, जिंदगी मजे की हो जाएगी। नहीं करेंगे फिर भी तो एक दिन करनी ही पड़ेगी ना, चार दिन के बाद जो जाके मानना है। बिल्कुल, अगर बेगम की बात करो तो बेगम आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही है। हाँ, अगर अभी अभी रात का टाइम है, बेगम के भी दोपहर के 2 बजे, तो भाई 2 ही बजे बहस करने की जरूरत ही नहीं। कोई बात नहीं, आइए चले आपने आपके ऑफिस, आइए प्लीज, जरा थोड़ी काम की बातें भी हो जाए, आइए प्लीज। वैसे बड़ा अच्छा बनाया हुआ आपने, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने देखा जरूर होगा पॉडकास्ट के अंदर, लेकिन हम तो कैंडिड दिखा रहे हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि वो एक ही एरिया स्पेसिफिक, बिल्कुल ऐसा ही है, तो अंदर का नॉर्मली नहीं होता। हाँ जी, अब आ गए हैं आप अपनी हॉट सीट पे। जी बिल्कुल। तो भाई माशाल्लाह से मैं पीछे अवार्ड्स देख रही हूँ, प्लीज इनके बारे में तो बताएं जरा। काफी सारे हैं, अभी तो कुछ नीचे ये जो डब्बे में बंद पड़ा है, ये तो आईटी की फील्ड में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड मिला है मुझे लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स से कुछ मिले हुए हैं, ये नीचे बहुत सारे बंद पड़े हैं, यूट्यूब के बटन नीचे बंद पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि मेरा प्लान है यहाँ पे कुछ शेल्फ बनाने का, ताकि सारे लग सके। एक्सीलेंट, सब लगे भी नहीं हुए हैं। एक्सीलेंट, जब ये अवार्ड मिल रहे होते हैं और जब आपको माशाल्लाह से आज आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है फाइनली, तो जब आप पीछे जाते हैं और अपना वो बचपन एक सोच रहे होते हैं ना, वो कहते हैं 3 AM थॉट्स आती हैं, तो कैसा फील होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ? अभी भी हम अपने गांव जाते हैं, बल्कि लास्ट टाइम अभी जब गए थे 1-2 महीने पहले, तो मैंने वहां पे गांव में फसलों में एक तस्वीर बनाई खेतों में, और उसके ऊपर एक शेर लिखा था, वो मेरा बड़ा फेवरेट शेर है कि तुम शहर में रहो या मुजाफात में रहो, औकात बड़ी चीज है, औकात में रहो। बेशक, तो इंसान कहीं भी पहुंचे उसको अपना पास नहीं भूलना चाहिए। आज भी जाते हैं और इंजॉय करते हैं, उसी तरह वहां पे फैमिली है, दोस्त हैं, उनके साथ बैठते हैं। और मैं कभी भी, मुझे ये नहीं लगा, अल्लाह का मेरे पे बहुत करम है, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे कोई डिफरेंस आ गया, मुझे लगता है मैं वैसा ही हूँ, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो मानते हैं कि मैं बिल्कुल वैसे हूँ, मैं बिल्कुल हम्बल रहने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और मेरे औकात भी कोई नहीं है, जो थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया उस पर भी कोशिश करता हूँ कि लोग खुश रह सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपने 14 साल के सेल्फ को क्या एक एडवाइस देंगे? क्या एडवाइस दूंगा, एडवाइस यही दूंगा कि अब मैं थोड़ा बेहतर हो गया हूँ, वही एडवाइस दूंगा कि यार थोड़ा सा मजीद हम्बल रहने की कोशिश करें, मैं पहले बहुत गुस्से वाला होता था, अच्छा अब मैं ऐसा ऐसा जो है ना वो बेहतर हो रहा हूँ। एक्सेलेंट। तो भाई आप मिलेनियल हैं या जेंजी हैं? क्योंकि अच्छा मैं कैटेगराइज नहीं कर रही, क्योंकि आपको तो पता है फॉरेन से हो जाता है, लेकिन हर मिलेनियल जो है ना वो आजकल जेंजी ही है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना वक्त के साथ चलना चाहिए हमें। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? मैं इन चीजों पर बिलीव ही नहीं रखता। अच्छा, हाँ बस मेरा एक अपना है, ये जितनी भी ऐसी कुछ चीजें हैं, एक वो इंट्रोवर्ट एक्सोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और वो स्टार्स, वो मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं रखता, बस अल्लाह का करम है चल रहे हैं और मसा चल रहा है। बल्कि वो एक बड़ी मशहूर नात है, मैंने पढ़ी भी है, अभी आई है वो, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। वाह भाई, हमारा काम चल रहा है, अल्लाह के नबी का करम है। बेशक, जब काम की बात हो ही रही है तो आप मुझे जरा बताएं, फूडप्रेन्योरशिप ज्यादा अच्छी है या एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा अच्छा है? नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा अच्छी है, फूड तो ठीक है, मैं फूडी हूँ, बट नहीं वो भी अच्छा है, ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट मेरे ख्याल एंटरप्रेन्योरशिप में ना आप बहुत सारे लोगों को इनेबल करते हैं कि वो भी आपके साथ चलते हैं या अपने तौर पे पैसे कमाने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं कह रहा, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, लोगों को एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, पता चल रहा है कि कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप। एक्सेलेंट। अच्छा, जैसे आजकल लाइव ई कॉमर्स का बड़ा रुझान हो गया है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि आप रोशनी डालें एंड एनलाइट करें हमारे व्यूअर्स को भी और उन लोगों को भी जो सोच रहे हैं कि जो है यू नो दराज वन ऑफ द यू नो अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइव ई कॉमर्स, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि लाइव ई कॉमर्स होती क्या है और प्लस अगर किसी को स्टार्ट करनी है वो कैसे करें। देखिए, अगर हम जस्ट ई कॉमर्स की बात करें तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बाय इंटरनेट है, ठीक है, हम लाइव ई कॉमर्स को देखें,
चाइना में इस पे बहुत काम हो रहा है, टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग इतनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, $1,00,000 की सेल करें। हमारे यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट कम है, हमारे यहाँ भी लोग ई कॉमर्स पे नहीं आ रहे हैं, लाइव ई कॉमर्स की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक कैटेगरी कहूँ ना कि लोग सीख ले, वो सीख ले डिजिटल मार्केटिंग, वो आपके हर तरफ काम आ जाती है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है, कोई भी सर्विसेज बेचनी है, आपको पता हो कि मेटा पे ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक है, आपको पता हो कि गूगल पे एसईओ कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, अगर आपको ये काम आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर घुस जाए तो आप पैसे कमाने के काबिल हो जाते हैं। एक्सेलेंट सर। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो इफ्तारी है वो मेटाटेनमेंट और उछलो की तरफ से है। उछलो इज द न्यू वन ऑफ द यू नो लाइव प्लेटफॉर्म, लाइव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जबरदस्ती फिर तो हम लाजमी ऐसी बात करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे भी आए, बिल्कुल पैसे कमाने के काबिल हों। एक्सेलेंट। अच्छा वैसे बड़ा मजे का सवाल है ये, और आई एम श्योर काफी लोगों का ना, काफी लोगों वेट कर रहे होंगे, काफी लोग इसके जवाब के लिए। आप हैं एंटरप्रेन्योर, साथ में आप ई कॉमर्स भी करते हैं। जब आप किसी एंटरप्रेन्योर के लिए कोई गिफ्ट ले रहे होते हैं तो क्या लेते हैं, मतलब सोचते हैं ज्यादा या फौरन से छट से ले लेते हैं? मैंने ना क्या सजेस्ट करेंगे, हर वक्त जो है ना दोस्तों को गिफ्ट वगैरह देने के लिए परफ्यूम्स रखे होते हैं गाड़ी में। अच्छा? गाड़ी में, घर में, हर वक्त मेरे पास कुछ ना कुछ अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा तो सेफ साइड मतलब परफ्यूम ही है? जी जी परफ्यूम ही है, वो ज्यादा आसान है ना, इकट्ठे लेके 20-50 रख लेता हूँ। अच्छा वैसे अगर गाड़ी में बैठे तो ऐसे सोचते नहीं क्या रखा हुआ है? नहीं वो सामने थोड़ी रखा होता है, पीछे रखा होता है, लेकिन रखे होते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा एक बात बताएं, लाहौर की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? मुझे नहीं पता, मैं 30 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, 35 ईयर से। ओके। मैं अपने घर से ऑफिस आ सकता हूँ और ऑफिस अपने घर जा सकता हूँ, बस। इसके अलावा कहीं भी जाना तो मुझे गूगल मैप यूज करना होता है, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और अक्सर जहाँ पे पहले गया होता हूँ वहाँ भी गूगल मैप यूज करके जाता हूँ। तो मेरा छोटा भाई बहुत तेज है, रेस्टोरेंट सिर्फ एक या दो होंगे जिनका मुझे पता है जहाँ पे मैं रेगुलर जाता हूँ, वरना मैंने जहाँ जाना है छोटे भाई से पूछना है यार गेस्ट आए हैं इस तरह का खाना चाहना है कौन सी जगह बेस्ट है, वो बताता है वहाँ पे जाना है, तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता ही नहीं। और वैसे भी ट्रेवलिंग में बहुत रहता हूँ, ऑफिस या घर या फिर बाहर। एक्सेलेंट। अच्छा सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है जो आपने ट्रैवल की होगी कि आपका दिल चाहता है बस मैं एक काम करता हूँ, या तो मैं वहां रह लेता हूँ या बार बार विजिट करता हूँ? रहने के लिए तो मुझे पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं लगता, लेकिन बार बार विजिट करने के लिए अगर बीइंग अ मुस्लिम तो ऑफ कोर्स मक्का मदीना तो उसके बाद की बात करूं एम्स्टर्डम। अच्छा अभी हम लोग गए थे लास्ट ईयर फैमिली के साथ, ट्रिप था तो काफी घूमे यूरोप, हम स्विट्जरलैंड भी गए, जर्मनी भी और फ्रांस भी, लेकिन जो मजा हमें एम्स्टर्डम में आया ना, एम्स्टर्डम के गांव हमने जाके देखे, क्या खूबसूरत जगह है, तो वहां पे बार बार जाने को दिल चाहेगा। मतलब सुकून है। जी बिल्कुल। एक्सेलेंट। सुकून है और ताजगी, ताजा हवा, मतलब पोल्यूशन लगता है ही नहीं वहां पे, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। अच्छा कुछ लोग आजकल होम बेस्ड वेंचर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और डिजिटल मीडिया में और ई कॉमर्स में स्पेशली, होम बेस्ड शेफ हो गए हो या फिर आपके ज्वेलरी आर्टिस्ट हो गए हो या कोई आर्ट वर्क हो गया हो, लेकिन फिर भी एक लैक है लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के, ना वो 5 टिप्स नहीं है उनके पास, वो बस स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आगाह भी करें। 2 चीज़ें हैं, मैं सवाल थोड़ा लंबा कर रही हूँ, कि आइडिया आया और हमने पिच किया और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या तो इंसान को ये करना चाहिए या फिर उसको स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए प्लानिंग के साथ, यू नो डिजिटल मीडिया पे आने के साथ, क्या करना चाहिए आप बताएं। कल हम ट्रेवल कर रहे थे तो मैंने एक दोस्त से बात की कि यार जब भी आपको कोई बंदा कोई अपॉर्चुनिटी का बताता है ना, यार ये बहुत अच्छा बिजनेस है लेकिन टाइम आपके पास शॉर्ट है, 10-12 घंटों में 24 घंटों में आपने डिसाइड करना है, हमने डील करनी है, 99% उसमें लोग लॉस करते हैं। अच्छा हमेशा अपने आपको सेकंड थॉट का टाइम देना चाहिए। okay. तो हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन कोई आइडिया है ना तो मिनिमम 48 आवर्स अपने आपको दें, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। अगर 48 आवर्स तक आप उस पर रहे ना तो ठीक है, फिर आप स्टार्ट कर दें। ये नहीं कि अब आप कहेंगे मैं 1 साल सोचूंगा, 2 साल सोचूंगा, लेकिन डिजिटल अपीयरेंस के बगैर आपको दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। सिंपल। ओके। कोई भी काम कर रहे हो, आपकी कपड़ों की दुकान है, आपकी जूतों की दुकान है, आप मेकअप का काम कर रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट है, इवन आप बार्बर है, आप हेयर ड्रेसर है, कुछ भी है, डिजिटल अपीयरेंस मस्ट है बस आज के दौर में। अपना पेज हो आपका, बिल्कुल, इंस्टाग्राम हो आपका, वहां पे आप एड चलाएं, लोगों को अट्रैक्ट करें अपने पास लेके आए, मजे करें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एडवाइस। एंड लेट्स गो बैक टू द पॉडकास्ट अगेन, क्योंकि आपकी जो है वो उनके साथ रेहम खान के साथ ही पॉडकास्ट, एंड इट वाज अमेजिंग सर। आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ने भी देखी होगी, बहुत सारे व्यूअर्स ने देखी होगी, तो उस पॉडकास्ट की सबसे बेस्ट बात क्या थी आपके लिए?
सबसे बेस्ट वो तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड थी, आपको वही बता देता हूं। चलिए बता दो, यहां पे आके बैठे, हां जी, सामने रेहम और उनके हस्बैंड भी साथ थे, बिल्कुल, तो गपशप हो रही। तो मैंने उनके हस्बैंड को कहा कि यार आप यंग हो और आपने बड़ी उम्र के खातून से शादी कर लिया, सामने बैठी थी, बिल्कुल, यार एक दो और शादियां करो, कहाँ पे रहते हो? उसने कहा यार मैं कराची भी रहता हूँ और अमेरिका में बिजनेस है। मैंने कहा एक अमेरिका में वाइफ होनी चाहिए, कराची में होनी चाहिए, एक लाहौर में। तो रेहम खान मुझे कहती आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करनी है कि मैं जाऊँ? मैंने फॉरन टैलेंट लिया, मैं मजाक, मैंने फॉरन टैलेंट, मैंने कहा नहीं नहीं भाई ये बहुत अच्छी खातून है, आपको कभी और शादी नहीं करनी चाहिए। फिर ये बाकी बेस्ट पार्ट उसके अंदर, एक तो उन्होंने पंजाबी उनकी नई फिल्म आ रही है उसके वाले से उन्होंने बताया था, वो बड़ा मजेदार था और वो क्लिप बहुत वायरल गया था, 2 बिलियन से ऊपर गया था और तमाम अखबारात ने उसके उसको लीड स्टोरी भी लगाई थी, उस पर आर्टिकल्स भी आए थे कि नई जो इनकी पंजाबी फिल्म है वो कौन सी आ रही है, वो था कोई चीमा चट्ठा एंड बाजवा। अच्छा, ये उसमें एक्टिंग कर रही है? नहीं, इन्होंने लिखी है। अच्छा, लिखी और है और ये उसको प्रोड्यूस भी कर रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बड़ी अच्छी गपशप थी। मेरी पॉडकास्ट में सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है कि मैं गेस्ट को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने हमेशा गेस्ट को रिस्पेक्ट ही देनी होती है, मैंने हंसी मजाक में बात करनी होती है। अगर कोई मैं उनके ओपिनियन से डिसएग्री भी कर रहा हूं तो मैं इतने मीठे अंदाज में करता हूं कि उसको फील ना हो। ऑलरेडी जिंदगी में और दुनिया में वैसे ही बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉडकास्ट पे नहीं जाते थे, हाँ, लेकिन मेरे पॉडकास्ट में आए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार ये ठीक है, तंग नहीं करेगा बंदा। और फिर हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर आपसे कुछ गलत बोला गया आप कॉल करके कह दे यार एडिटिंग में ये काट देना, तो सबसे इजी चीज। तो इसलिए लोग इतने खुश होकर जाते हैं ना, वो कहते हैं यार ये पॉडकास्ट अच्छी है। मैं फिर वापस उसी पे आऊंगी, फिर आपका क्या टेक है, इंसान लड़के को अपनी से अपनी बड़ी उम्र से करनी चाहिए या फिर अपनी छोटी उम्र से शादी? शादी मेरे ख्याल है तकरीबन बस बराबर एज में ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बराबर आने मेरी और मेरी वाइफ के। देखिए जरा आप तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, उनका एक अपना ओपिनियन था रेहम खान का उनके हस्बैंड का, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा, दो चार साल का हो जाए। अगर उनका ओपिनियन वैसे था क्या, अगर आप अपनी जबानी बताएं तो? नहीं, उनका ओपिनियन, उन्होंने ये कहा था कि लोग इतराज कर रहे हैं कि मैंने अपने से 16 साल या 15-16 साल छोटे से क्यों शादी की। उन्होंने कहा कि जो मेरी पहली शादी थी वो मुझसे 16 साल बड़े थे, पहली शादी जब मैं यंग थी, मेरा कजन, और फिर जो दूसरी थी वो मुझसे 22 साल बड़े थे। उन्होंने कहा तब तो किसी ने इतराज नहीं किया मर्दों पे कि तुमने इतनी छोटी औरत से कर लिया, और मैंने किया तो शोर मचा दिया। तो ये उनकी बात लॉजिकल थी, तो जो बात है वेरी वेरी लॉजिकल वन। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा। इफ्तारी ये रही, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तो छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। मैसेज यही है कि कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं, आपका प्लान है करना है, उसको स्टार्ट करें और फिर उसमें कंसिस्टेंट रहें। हमारे लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि आज आपने कोई काम स्टार्ट किया, एक हफ्ते में आपको रिस्पांस नहीं आया तो आपने कहा लो जी ये तो काम ही खत्म हो गया। मैं एग्जांपल देता हूँ, नए ब्लॉगर आ रहे हैं वो 10 दिन बाद कहते हैं जी यूट्यूब तो फ्रॉड है। वो भाई यूट्यूब में फ्रॉड, आप फ्रॉड है, क्योंकि आप 10 दिन में पैसे चाह रहे हैं। आपको पता है आपके साथ आपकी टीम में वो लोग हैं जिनको 4-4 साल के बाद पहली इनकम आई यूट्यूब से। अब उनके हजारों डॉलर्स देख के लोग कहते हैं जी इनके पास तो इतने आ रहे हैं, वो 4 साल कोई नहीं देखता। तो लगे रहे, एक दिन आपका भी आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, सब्र करना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, और रमजान भी हमें यही सिखाता है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। आपको शुक्रिया, आपका अच्छे से स्पेशल है। रमजान मुबारक, खुदा हाफिज़। थैंक यू।